अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, हमने तानसेन के बारे में जो बुक उसकी रीडिंग की थी, उसका आज हम एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 105। रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: रफली, स्मूथली, फॉर पेट, वाइल्ड, फॉरगॉटन, रिमेंबर्ड, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हॉट एंड कोल्ड। कम्प्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द लेसन। ये हमने पैराग्राफ जो है, ये इसकी जो ब्लैंक्स हैं, हमने रीडिंग से सॉल्व किए हैं। तानसेन वॉज वन ऑफ द नवरत्नस या नाइन जेम्स, आप दोनों वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इन द कोर्ट ऑफ एम्पायर अकबर। ही वॉज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन। इट रेन्ड वेन ही सैंग एंड द दीपक रागा, इफ संग परफेक्टली, कुड बर्न द सिंगर्स बॉडी टू एशेज। ही इज रिमेंबर्ड इन ग्वालियर इवन टूडे। ये आपने ब्लैंक से फिल करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 106। राइट पी आर फॉर प्रेजेंट टेंस एंड पी टी फॉर पास्ट टेंस इन द बॉक्सेस। अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंसेस। कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट डॉग्स कैन नॉट, ये प्रेजेंट टेंस हैं, और जो हमने वर्ब जो अंडरलाइन किया वो क्लाइंब। व्हेन तानसेन सैंग बर्ड्स एंड बीस्ट केम टू हेयर हिम, जब वो तानसेन सिंग करता था, सैंग करता था, ये हमने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया। बर्ड्स और बीस्ट जो है उसको सुनने के लिए आते थे, ये पास्ट टेंस है, पी टी लिख देना है। ही फेल इल एंड रिकवर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये पास्ट है, इसमें हमने अंडरलाइन करना है फेल एंड रिकवर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये पास्ट टेंस है। पी टी हमने मैंशन करी, ग्रेट आर्टिस्ट आर ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय द पीपल, तो इसमें हमने रिमेंबर्ड को अंडरलाइन किया और हम लिखेंगे पी आर ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय द, और ऑलवेज ये जो है प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट पी आर लिखेंगे। ह्यूज बैनियन ट्री ग्रोज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो ग्रोज इसमें हमने वर्ब को जो है अंडरलाइन किया और ये प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 107। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। दे डू नॉट इक्वली सॉरी दे डू नॉट क्वालिफाई नाउन्स लाइक एडजेक्टिव्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल पोजेसिव नाउन्स। आई ऑन दैट कार, दैट कार इज माइन, वो कार मेरी है। हम यहाँ पर पोजेसिव नाउन जो है वो यूज़ करेंगे माइन। You own that car is yours. We own that car is ours. We के साथ ours लगाया, he own that car is his. He के साथ हमने his ऐड किया। They own that car is theirs. They के साथ their possess, उसका नाम जो है pronoun use किया। She owns that car is hers. तो यहाँ पर हमने हर्ज ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 108 पर आएँ। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पोजेसिव नाउन। दोज शूज बिलोंग टू हिम, दोज आर हिज शूज। हमने इसको पोजेसिव नाउन से चेंज किया कि वो उसके शूज हैं। दोज बुक्स बिलोंग टू देम, दोज आर देयर बुक्स। दीज फ्लावर्स बिलोंग टू अस, दीज आर अवर फ्लावर्स। And that picture belongs to me. That is my picture. मेरी picture है, वो मेरे से belong करती है, तो वो मेरी picture है। These frogs belong to her. वो frogs उससे belong करती हैं। These are her frogs. And this pen belongs to you. And this is your pen. जो pen आपसे belong करता है वो, this is your pen, वो आपका pen है। Student, ये activity है, इसको जो है क्रॉस आउट कर दें, ये मैं नहीं करवा रही। यहाँ पर हमारा लास्ट पेज भी है एक्टिविटी, उसको भी क्रॉस आउट कर दें। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये हमने एक्सरसाइज की कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह वर्कबुक का जो है वो हम नेक्स्ट यूनिट में इसका कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।